जी, वेलकम बैक टू ग्लैमर पाई। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो, जो कि है नेल आर्ट की वीडियो। और ये मैं कब से करना चाह रही थी, लेकिन इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये थोड़ा मैंने स्पीड अप कर दिया आपके लिए। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो सबसे पहले हमने नेल्स लगा लेने हैं। अगर आपके नेल्स बहुत बड़े हैं तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग बड़े नेल्स नहीं रखते, तो दैट्स व्हाई हमने लगाए हैं क्यूटिश के नेल्स, जो कि आपको पुरानी वीडियो में भी पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं आई बटन पर पुरानी वीडियो नेल आर्ट डाल दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमने लिए एक अदद ग्लिटर वाली नेल पेंट और एक बेसिक बेस कोट लगाया है। और उसके बाद हमने ली है एक टेप, जो कि मास्किंग टेप है। और उसके साथ हमने लिए एक मैट कलर की नेल पेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं तीन कलर्स यूज़ कर रही हूँ। एक तो मैंने लगाया हुआ है बेसिक सा कलर, जो कि है ग्रे। उसके ऊपर अब मैं यहाँ पर देखें ऐसे साइड पर टेप लगाई है, और उसके नीचे वाले हिस्से को आप छोड़ दीजिएगा। ऊपर वाले हिस्से पर टेप लगाकर नीचे वाले हिस्से पर, जो नेल का नीचे वाला हिस्सा है, उस पर आपने लगानी है मैट कोई भी कलर की नेल पेंट। या आप किसी भी कलर का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रे और नेवी ब्लू, और नहीं रॉयल ब्लू वो भी मैट, और ग्रे और लाइट ब्लू ग्लिटर वाली नेल पेंट का कॉम्बिनेशन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इतने सारा इस पर कोट इसलिए लगाया ताकि ये अच्छे से कोटेड हो जाए और बहुत अच्छा लगे। और ये टेप जो है, इससे हमारे हमें बिल्कुल इक्वली बहुत क्रिस्प लाइन मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी लगेगी जब ये नेल आर्ट हुआ होगा और लोग पूछेंगे कि आपने कहाँ से करवाया, तो आप बोल दीजिएगा कि हमने खुद ही किया है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ना आपके शशके हो जाएंगे। और अब आप इसको रिमूव करें, ध्यान से पहला कोट सूखा होना चाहिए, उसके बाद दूसरा कोट लगाना है नेल पेंट का। मतलब पहली लेयर सूखी हो, उसके बाद ही ये सेकंड वाली ब्लू लेयर लगानी है। उसके बाद अब इसको अच्छे तरीके से सुखा लें, फिर उसके बाद टेप लगाइएगा, वरना जब आप उतारेंगे तो नीचे का भी उतर जाएगा। उसके बाद हमने आधी इस साइड से टेप लगाई है, और बाकी के आधे नेल पर हमने लाइट ब्लू कलर की ग्लिटर नेल पेंट को पेंट कर दिया है। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस इसको सुखाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये मतलब सूख जाए फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया जाए, इसमें टाइम लगता है। उसके अलावा ये बहुत ईजी है। आप फेक नेल्स लेकर उनको बनाकर भी रख सकते हैं, मतलब डेकोरेट करके रख लें, और फिर जब भी आपको जहाँ पर भी किसी भी शादी में जाना हो तो आप वो लगा कर भी जा सकते हैं। तो मैं आपको सारे पूरे हाथ का नहीं नेल आर्ट करके बताऊँगी, हर नेल पर अलग अलग नेल आर्ट करके बताऊँगी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, लग नहीं रहा कि ये हमने खुद ही किया है और इतने आसान तरीके से किया है। तो अगर आप वैसे चाहते हैं कि मैं और भी नेल आर्ट पर वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे बताते रहिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट नेल पर चलते हैं। तो नेक्स्ट नेल के लिए मैंने ली है जो बेसिक कलर लिया है, वो है एक लाइट सा पिंकिश से टोन में हमने लिया है न्यूट कलर। उसके बाद एक ग्रे कलर ले रहे हैं हम, और एक ले रहे हैं हम यहाँ पर स्पंज, जो भी आपका पुराना स्पंज है उसको आप बीच में से काट लें। मैंने इस पर एक नॉर्मल सा कलर लगा दिया है, कोई भी कलर लगा सकते हैं आप, ग्रे सा हल्का सा कलर लगा दे भले। क्योंकि ना ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि फेक नेल्स, और फेक नेल्स तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो मैंने उससे बचने के लिए लगाया। और आप साइड में ना इसके कोई भी पील ऑफ नेल पेंट लगा दें, या स्कूल ग्लू भी लगा सकते हैं, उसको भी आप आराम से पील कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस नेल के ऊपर आधे नेल में हम लगाएंगे, आधे नेल पे हम लगाएंगे अलग नेल पेंट और आधे नेल पे अलग। वो कैसे कि हमने स्पंज लिया, उसके अंदर हाफ स्पंज पर हमने पिंक नेल पेंट लगा दिए, और मुझे देखे नेल ही उतर गया क्योंकि फेक नेल्स है ना। तो आपने हाफ ने हाफ स्पंज पर पिंक नेल पेंट लगाई और हाफ पे ग्रे, तो ये कुछ इस तरीके से का ओम्बर किस्म का बहुत ही अच्छा सा ना आ जाएगा कलर टेक्सचर में। और अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कलर ऊपर से थोड़ा सा और ऐड कर लें इसके ऊपर, जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लाइट सा ब्लैकिश कलर ऐड किया है, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ना उसका मतलब कलर अच्छा सा आ जाए, तो मैंने नीचे से थोड़ा ब्लैक लगाया है। उसके बाद अब इसको दोबारा से टैप टैप करेंगे तो ये इसमें ब्लेंड हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका पिंक भी कलर नहीं नज़र आ रहा, बहुत कम सा लग रहा है, तो ऊपर से थोड़ा पिंक लगाएं, फिर दोबारा से इसको स्पंज करें, तो ऐसे ही बहुत अच्छा सा कलर बन सकता है। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन से इसको बना सकते हैं, ये बहुत आसान है और इससे बहुत मज़ेदार सा कलर बन सकता है। तो अब हम आ रहे हैं अपने थर्ड नेल पर, जिसके ऊपर मैंने बेसिक ब्लैक कलर की नेल पेंट लगाई है। उसके बाद अब मैं एक नेल पेंट ले रही हूँ और टिश्यू मैंने नीचे बिछा दिया है, ठीक है। वो देखे सेकंड वाला नेल जो अभी किया था, वो कितना खूबसूरत लग रहा है इसमें। उसके बाद अब मैं ले रही हूँ ब्लू कलर की रॉयल ब्लू लिक्विड, मतलब मैट नहीं है ये नेल पेंट ऐसे शाइनिंग ग्लॉसी है, ये ले रही हूँ। इसको मैं बिल्कुल ड्रिप कराऊंगी इसके ऊपर से, ताकि ये अच्छे से ड्रिप हो जाए,
ये देखें टिश्यू स्लेज मैंने बिछाया था ताकि आपका नीचे सरफेस पे गंदगी ना हो, और इसको अच्छे से ड्रिप करा दें इस पे से थोड़े सा तो। और फिर उसके बाद आप एक अदद मैच स्टिक की तिली ले लें और उसके साथ इसको जो भी पैटर्न जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें देखें। बस इसमें ये होता है नेल आर्ट में कि आपका नेल बहुत यूनिक लगना चाहिए, आपके नेल्स बहुत यूनिक लगें दूसरों के पास, मतलब दूसरों ने ऐसे ना, मतलब कस्टम मेड भी मिलते हैं लेकिन ऐसे नहीं मिलते जैसे कि हम अपने घर पर बना सकते हैं अपने दिल से जो भी डिज़ाइन बनाया हमारी मर्जी। इस पर आप फ्लावर भी बना सकते हैं क्योंकि ये दो नेल पेंट्स मिक्स हो गई हैं तो बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया होगा और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आप दे सकते हैं इसमें, क्योंकि जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो नीचे वाला ब्लैक कलर नज़र आएगा और ये देखें ब्लू ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है। इसको साइड से आप अच्छे से क्लीन कर लें और इन नेल्स को आप संभाल कर भी लग सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, फिर बाद में आप लगा कर जा सकते हैं। मतलब पूरे आपने पूरे हाथ पे करना है मतलब ये नेल आर्ट, लेकिन मैं आपको एक एक फिंगर का करके दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं आपको पूरे पूरे हाथ का करके दिखाऊं, तो वो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी तो वो कोई देखेगा भी नहीं। उसके बाद हम आ रहे हैं थर्ड नेल पर जिसका बेस कोड मैंने वापस से रखा है लाइट पिंक यानी न्यूट कलर, क्योंकि मुझे न्यूट कलर बहुत पसंद है, ये बहुत वैसे क्लासी से लगते हो और ना बहुत ही मतलब ना आप बहुत मॉडर्न टाइप लगते हो तो उससे बहुत ज़्यादा ना अच्छी सी फीलिंग आती है, तो मैं इसलिए ज़्यादातर न्यूट कलर्स अप्लाई करती हूँ। तो ये मेरा फेवरेट कलर है पिंक, सो इसमें मैंने ज़्यादातर कलर्स नेल आर्ट आपको सिखाए हैं, ठीक है। उसके बाद हम ले रहे हैं ब्लैक नेल पेंट जो कि मैंने ऐसे ट्रायंगल की शेप बनाई है, मतलब सिर्फ वो ट्रायंगल दिख रहा है उसके अलावा पूरा नेल टेप से कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपने आराम से नेल के ऊपर से टेप हटानी है, मेक श्योर के नीचे का कोट सूखा हुआ हो वरना टेप हटने से वो कोट भी हट सकता है। तो ये देखिए कितना एलिगेंट किस्म का अच्छा सा बिल्कुल प्यारा सा नेल आर्ट लग रहा है, बहुत यूनिक है। इसके टॉप पर आप थोड़ा सा एक छोटा सा मोती भी चिपका सकते हैं जो बहुत क्यूट लगेगा, और ये बहुत ही आसान है बनाना, मतलब आप खुद देखेंगे कितना आसान है। उसके बाद अब सेकेंड पर मैं बना रही हूँ, जैसे कि मैंने उस पर ट्राइंगल को मैंने छुपा दिया था, मतलब ट्राइंगल सिर्फ दिख रहा था उसमें हमने ब्लैक नेल पेंट फिल की थी, यहाँ पर मैं ऐसे ही टेप से ट्राइंगल बना रही हूँ और उसके बाद ये देखें दोबारा से ऐसे एक और ट्राइंगल बना रही हूँ, तो बीच में से बस एक ऐसी स्ट्रैप लाइन दिखेगी, ये देखें आप ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है कि बीच में से कुछ ऐसी स्ट्रैप सी लाइन दिखेगी, तो आपने ऐसी लाइन को मैं पर्पल कलर की यहाँ पर एक नेल पेंट ले रही हूँ, नेल पेंट ग्लिटरी नेल पेंट है, इसमें थोड़ा सा ग्लिटर के चंक्स हैं लेकिन ये इतनी ज़्यादा मतलब प्योर ग्लिटरी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा सा ये इससे नेल आर्ट होगा। ये देखें आप इसको अच्छे से, और सेकंड चीज़ कि आपने ध्यान रखें पहला कोट सूखा हो उसके बाद ही आपने टेप लगानी है, और जब ये दूसरा कोट सूख जाए तकरीबन फिर आपने टेप हटानी है ताकि मेस ना हो, ठीक है। अब ये देखें मैं टेप हटा रही हूँ तो ये भी कितना क्रिस्प सा और अच्छा सा, ये बहुत छोटी उंगली है वैसे मुझे इस पर ये वाला नेल आर्ट नहीं आपको सिखाना चाहिए था। वैसे बाकी अगर हम ऐसे भी करते हैं ना कि बाकी पूरे हाथ पर हमने लाइट पिंक नेल पेंट लगाया हुआ और रिंग फिंगर वाली फिंगर में हमने कोई भी नेल आर्ट कर लिया तो वो भी बहुत क्लासी लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका पार्ट 2 लेके आया जाए या नहीं।